Awesome, come on. Yeah. Sir, देखते हैं मुझे अब आप पे भरोसा तो खैर रहा नहीं है, but we'll see, sir. मेरा इस सीजन में तुम्हारे लिए एक ही वर्ड होगा, trust me. Trust, please trust. तो शुरू करें? Yes, let's go. Come on, come on. शुरू कहाँ से करूँ मैं? मेरा नाम है निहाल तावरो और मैं 20 साल का हूँ. मैं मूडविद्री मैंगलोर से हूँ. घर में मेरे पापा हैं, मम्मा हैं, मेरी दादी है, छोटा भाई है और मेरी दो बिल्लियां हैं और उस तीन किट्स हैं. ओ, ये कुत्ता भी है. मैं डिस्टेंस एजुकेशन कर रहा हूँ, लाइक घर में बैठ के डिग्री के लिए. कौन सा डिग्री? आर्ट्स. कौन सा डिग्री? बी कॉम. नो, बी ए. याद नहीं है कौन सी डिग्री? अरे नहीं, वही मुझे एक ऑनेस्टली बोलूं कौन से सब्जेक्ट लिया मुझे पता नहीं है. डिस्टेंस एजुकेशन में वो लोग बुक दे देते हैं, बोलते हैं करो पढ़ाई. कौन करेगा? जब कोई मुझे फर्स्ट टाइम मिलता है तो उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ. ब्लो योर ट्रम्पेट बेबी. यार थोड़ा सनकी है देख, पर असल में वो बहुत स्मार्ट है. ओ, जीनियस भी है, इसलिए उसको कोई चीज उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद सीख लेता है, इसलिए वो जीनियस लगता है. हेलो एवरीवन. हेलो मैम. हेलो. ये क्या है मैम? दिस इज आई बिलीव लाइक ह्यूमंस आर ऑलवेज लाइक tensed all the time and this gives me positive energy, so I what wear this, is it like, but this is a natural locket, like plant thing. Yeah, real plant is it? Yes. Are baap re. So it keeps my mind fresh and yeah. Aap isko pani kaise dete hain? Kya naam hai aapka? My name is Nihal Tauro and I'm from Mangalore. I'm 20. Ye Indian Idol ka pehla audition hai ki pehle bhi? No, ma'am. This is the first time. मेरी एक request है. हाँ जी कहिए. नेहा उसका अपना favorite गाना तुम्हारे साथ duet करेगी and that is going to make your life. नेहा आप ready हो? हाँ हाँ sure. खामोशियां जजेस को निहाल में दिखा एक फ्यूचर प्लेबैक सिंगर और उसे दिया गोल्डन टिकट आइडल के अगले राउंड में आने के लिए. लेकिन कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं. और आइडल में कुछ ज्ञानी ऐसे आए हैं जिनका संगीत का ज्ञान कुछ अलग ही है. मैं सुबह सुबह लो नोट्स का रियाज करता हूँ, सोने से पहले सुबह में और छत वगैरह हर जगह. मेरे सुर ज्यादा ऊपर जाए और जब मैं नीचे जाऊँ खुद से तभी मेरे सुर नीचे आए और मैं उसको पकड़ के और ऊपर जाने की कोशिश करूँ. दीम तना दे रे ना, दीम तना दे रे ना, धनी सामा सगम धानी धामा ग. सुबह टाइम बहुत अच्छी फ्रेश हवा आती है तो उस टाइम थोड़ा सांस बनती. Ah
वाओ, क्या अदा है। मूड में हो? जी सर। डर रहे हो? थोड़ा नर्वस हूँ। क्यों? सर थोड़ा गरम चाय चाहिए थोड़ा सा। सर को जरा चाय ले आइए सर के लिए। बहुत मस्ती है सर। मस्ती? मीठी मीठी। मेरी अधूरी कहानी। ये टेस्ट है कि शुरू हो चुका है। ये क्या हो रहा है? मिथिलेश जी आप शुरू कर चुके हैं? नहीं 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 ना, टेस्ट कर रहे हैं ना। हाँ। सब कुशल मंगल है? जी। बढ़िया, तैयार। जिंदगी ने पहली है मुस्कान करने लगी है। मिथिलेश इतना करम क्यों न जाने। मिथिलेश करवट लेने लगा। कहाँ से हो आप सर? सर मैं छोटे से राजस्थान में, गांव है मेरा नागौर। नागौर में छोटा सा गांव है गचीपुरा। और नाम क्या आपका? सवाई भाट। सवाई भाट, अरे वाह, ये पोटली में क्या लाए हैं आप? मैम इसमें मेरे कपड़े हैं और कठपुतली है। कठपुतली? कठपुतली क्यों? ये हम, मेरा खानदानी काम है कठपुतली का। हम तमाशा करते हैं रोड पे और गांव में बताते हैं। हमारा खानदानी जो पेस्ट धंधा है पपेट का, हमारा ही कठपुतली का। गांव गांव हम जाते थे और ये खेल दिखाते थे। पहले सबसे पहले यही था। रुतिये सुहानी मन को लुभाए, मस्त पवन जहां सरगम सुनाए। कोई दान देता था, कोई कपड़े पहनने को देता था, कोई दूध डाल देता था, कोई 5 रुपये 2 रुपये ऊँट देता था, गुजारा हो जाता था। लेकिन अब वो समय रहा ही नहीं पहले जैसे। पपेट कौन देखता है? ये मोबाइल टेलीविजन आने से हमारी जो पपेट की कला है ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई। सास ससुराल, 5 मेरे बच्चे, 15 आदमी, सवाई एकला कुमाता, मेरा जी बहुत दर्द चलता है। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं। सवाई बहुत दुखी है, हमको मांग के खुआता है, मजदूर करके खुआता है, कोई का सहारा नहीं है ना। हमने इसको कोई सुख नहीं दिया, क्योंकि सुख देने को हमारे पास सही कुछ क्या है? प्यार के सिवा कुछ नहीं, आशीर्वाद दे सकते, यही है। वो भी दुखी है क्योंकि उनकी जिंदगी ऐसी है, मैं उनको कभी खुशी दे नहीं पाया। मेरी जो 2 बहनें हैं उनकी शादी कैसे करूंगा, ये सारी चीज़ें सर दिमाग में आती है। घर में बड़ा बड़ा मैं ही हूँ और जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं करूंगा उनके लिए। माना के मंजिले अभी कुछ दूर है मगर। अभी तो मैं रोड पे गाता हूँ और इंडियन आइडल इसलिए आ रहा हूँ मैं, अभी तो लोग सुन के मुझे चले जाते हैं। अगर मैं वहाँ पे गाऊंगा तो पूरे लोग सुनेंगे मुझे और टीवी पे देखेंगे, तो एक आदमी से दूसरा आदमी मेरे से जुड़ेगा और ऐसे मेरा जीवन अच्छा हो सकता है। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? जी मैं राजस्थानी केसरिया बालम, पधारो हमारे देश। ओह वाओ, आपके साथ आपके मम्मा पापा या कोई फैमिली से आप? मेरे पापा और मम्मी आए हुए आए हैं जी।
विश्व अगर इनके मम्मी पापा भी आके देख लें यहीं पर इनकी परफॉर्मेंस, तो बड़ा गर्व महसूस करेंगे मुझे लगता है. बुला लें आपके मम्मी पापा को. अंकल आंटी जी प्लीज आ जाइए, सुर ले लीजिए आप. क्या बात है यार. साजन आयो है सखी काई मनवार करा थाली भरूंगा जी मोतिया ऊपर ने केसरिया बात है, क्या बात है. ऐसे ऐसे इस देश के चेहरे देखने को मिलते हैं, ऐसे रंग देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे रंग सुनाई देते हैं जो कि अनंत है. इतना मजा आया ये परफॉर्मेंस देख के कि सारा दिन भी गा लेते ना तो भी सुन लेते हम लोग. इतना खूबसूरत गाया, क्या बात है, बहुत उम्दा. क्या सिंगर्स मिले यार, आउटस्टैंडिंग, जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया है. मेरा नाम शनमुख प्रिया और मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ एंड आई एम 17 इयर्स ओल्ड और ये मेरी मम्मी है. मम्मी मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसा है. स्कूल में तो मम्मा टीचर है, खाना बनाती है, गाना गाते हैं, सब डांस करती है, सब करती है, तो इसलिए सुपर वुमन. अरे आंध्र प्रदेश में तो लोग मुझे जानते हैं मेरे सिंगिंग की वजह से, मम्मी को भी पहचानते हैं, तो शी इज़ वेरी फेमस. शनमुखा के साथ साथ मैं भी स्टार बनना चाहती हूँ.
मैं शनमुखा के साथ फिर स्टेट्स इधर उधर घूमना है ना, इसलिए मैं भी फिट रहना है, इसलिए मैं वर्कआउट भी सीख रही हूँ अभी। तो स्टेट्स में बाहर घूमने, अमेरिका फॉरेन तो घूमने जाना है? हाँ फॉरेन तो घूमना है, फिर चाइना नहीं। शनमुखा आज सेलेक्ट होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शनमुखा प्रिया। शनमुखा प्रिया आप बहुत फेमिलियर लग रही हैं नेहा और हिमेश दोनों को। हाँ शनमुख प्रिया को हम यू नो पहले भी जज कर चुके हैं, जब ये छोटी सी हुआ करती थी, हालांकि अभी भी छोटी ही हैं। बट अब कितने साल की हो गई हो आप शनमुख? 17 years की हूँ। 17 years की हो गई हो, oh my god मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ मैम। Oh so good to see you both. Thank you so much मैम। तो मैम आप बैठिए और हम शनमुख की परफॉर्मेंस सुनते हैं, फिर बातें करेंगे, ठीक है? क्या गा रही हो आप आज? मैं हूँ झुमझुम झुमरू। अरे वाह, किशोर दा का गाना, वाओ। ओह सो स्वीट। या टिकट कंटिन्यू सबको मिलते जा रहे और यही डर है अभी कि एक लिमिट खत्म ना हो जाए उसकी। क्या करें इसका? This was below average, I swear on God, this was below average.
I'm confused हूँ थोड़ा। तुम सिर्फ confusion में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। वैष्णव कम है। अब हम आपको वापस बाहर भेजेंगे। आप शांति में अकेले में बैठकर एक गाना चुनिए। आप बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, प्लीज इस चांस को जाने मत दो। ओके, गुड लक। आज मेरे पास आखिरी मौका है, आज मुझे उस एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। अरे hey. क्या बात है। हाय सर। हाय मैम। हाय, इज बैक वैष्णव। आई कांट वेट टू सी व्हाट यू डू टुडे। पहले शुड वी जस्ट जंप राइट इनटू इट? लेट्स गो, लेट्स गो। श्योर। वैष्णव तैयार हो? हां सर। Come on. All the best, Vaishnav. Thank you. Rock it, brother. Yes, sir. Mm. Ready, sir. Shankar, aisa pani chahiye? No, sir, I'm good. Three, two, one, sound. वैष्णव, यू चोज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग। ऑडिशन में इस तरह का गाना गाना जो लोग फिनाले में भी अटेम्प्ट नहीं करते, स्पेशली इन द एंड जो आपने किया, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स अनबिलीवेबल। थैंक यू सर। अहमदनगर की दो बहनें, कपड़े एक दूसरे के पहने और दोनों के क्या कहने, खाए एक साथ, घूमने जाए एक साथ, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए दोनों आज एक साथ अपने अपने इंडियन आइडल बनने के लक्ष्य को साथ ले आए हैं। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो तो अनुशासन बहुत जरूरी होता है, और ये तो संगीत साधना है। संगीत साधना में तो बिना अनुशासन के कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। सुबह जल्दी उठा के रियाज करवाते हैं और योगा करवाते हैं, कुछ खाने पीने नहीं देते, कुछ तला हुआ या ठंडा। पापा ने हमें अभी तक जो शिक्षा दी है, जो कुछ सिखाया है, उसको आजमाने की बारी अब आ गई है, इसीलिए हम इंडियन आइडल में आना चाहते हैं।
हेलो नमस्कार नमस्कार हेलो सर हेलो मैम हेलो सर आपके नाम क्या है मैं नंदिनी गायकवाड़ मैं अंजलि गायकवाड़ तो अंजलि नंदिनी क्या गाने वाले हो आज आज मैं परवीन जी का हमें तुमसे प्यार कितना गाने वाली हूं क्या बात है और अंजलि आप और मैं क्लासिकल सॉन्ग है दिल की तपिश है आफताब ठीक है चलो शुरू हो जाइए यस हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार जजेस ने डिसाइड किया कि नंदिनी के रिजल्ट को होल्ड करते हैं पहले अंजलि को सुनते हैं और उसके बाद दोनों का रिजल्ट साथ में देंगे अभी दीदी सिलेक्ट नहीं हुई है जजेस ने रिजल्ट नहीं बताया है अभी मुझे गाने के लिए बुलाया है टेंशन ही है क्योंकि कैसे हम गाते हैं उस पर वो डिपेंडेड है तो मैं मेरा 100% दूंगी प्रेशर बिल्कुल मत लो रिलैक्स आप बस दिल से गाओ हेलो हेलो चेक हेलो ओके गुड लक 3, 2, 1, आज है तो बहुत ही कम होता है मैं पिताजी आपको स्पेशली ये कहना चाहता हूँ यू नो कोविड का जमाना है वरना आपके आके पैर छूता मैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं इतने महान बच्चों के गुरु हैं आप इस लेवल की सिंगिंग इस उम्र में
आपको दिल से यहाँ से नमन। इंडियन आइडल की तरफ से मैं यही कह सकता हूँ कि तुम इंडियन आइडल की आन बान शान और जान हो। अंजलि, आपके लिए मैं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ये गोल्डन माइक देना चाहूंगी। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सितारा परवीन है और मैं बिहार से आई हूँ। अच्छा, आपके फैमिली में म्यूजिक है या सीखती हैं या क्या है? सीखती हूँ बट बहुत मुश्किल से, और फैमिली में अलाउड नहीं है। क्यों? एक्चुअली मेरे एक भैया हाफिज है, मौलवी है, तो इस वजह से सोसाइटी में अलाउड नहीं करते। सीखती है, मतलब छोटी में करती थी, जैसे जैसे बड़ी हुई तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया। लोग मुझको ताना दे रहे हैं, समाज के लोग, एक घर में हाफिज हो यार, तुम अपनी बहन को गाना गाने के लिए भेज रहे हो, ये कहाँ तक दुरुस्त है? तो मेरे पास सर इनका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल रॉन्ग था, तो मैं कुछ कह भी नहीं पाता था और मेरी इज्जत में बहुत उछाल कूद भी हुई है। जहाँ जहाँ मैं स्टेज शो करता था, मैं भी जाता हूँ स्टेज में, बड़े बड़े स्टेज में, जलसा वगैरह में, तो वहाँ के लोग मुझे बुलाना भी छोड़ दिए। कई मरतब ऐसा हुआ कि दावत मुझको दे करके मुझको रास्ते से घूमना पड़ा। समाज में जो सभी की सोच है वो इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता कि लड़कियां आगे जाए, आगे जाकर पढ़ाई करे या फिर अपने सिंगिंग को लेकर या कुछ किसी भी एरिया में वो आगे बढ़े, इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं है हमारे समाज में। दुनिया सारी छोटी जरा पड़ गई, बढ़ते बढ़ते मैं हद से जरा पड़ गई। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, और उसी तरह मेरी लाइफ में भी हैदर भाई उस टाइम मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे उस सिचुएशन में संभाला। हैदर भैया ने मुझे दोस्तों के घर, किसी मैम के घर ले जाकर मुझे रियाज करवाते थे। किसी बहाने से मैं जाती थी और मैं वहाँ पे रियाज अपना करके किसी भी तरह, एक घंटे हो दो घंटे हो, मैं करके वापस आती थी। हमारे में एक कहावत है, हिम्मत मदद मदद खुदा, तो हैदर भैया मेरे लिए इतना जगह रखते हैं मेरी लाइफ में कि वो है तो मुझे बाकी किसी भी चीज़ों का डर नहीं है कि पता नहीं फैमिली क्या करेगी। मैंने वो सब भी बातें छोड़ दी, बिल्कुल भी सोचना, बस मैंने अपने सिंगिंग पे फोकस किया और भाई ने मुझे कहा कि तू बस सिंगिंग पे फोकस करो, बाकी जो होगा मैं संभालूंगा। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं, आपने भाई का सच्चा फर्ज निभाया है अपनी बहन को सपोर्ट करके। शुक्रिया सर। आप दोनों को देख के बहुत खुश हैं कि ऐसे भी भाई हैं जो बाकियों से लड़ झगड़ के, मुश्किलें मोड़ के अपनी बहन का ताकत बनते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी आपने ये छुपाया हुआ है क्या कि ये गाती हैं? हम सब साथ में भी खड़े हैं ऐसा। बिल्कुल। देखिए, हम सब का धर्म म्यूजिक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके दिल में सच्ची संगीत है तो कोई शक नहीं है मेरे मन में कि आपका पूरा परिवार कभी ना कभी आपके साथ में जुड़ ही जाएगा। बिल्कुल। चलो, हम बहुत एक्साइटेड हैं सितारा आपको सुनने के लिए।
Thank you, ma'am. All the best to you and to your brother also. Genuinely a super sitara. Thank you, sir. Yeah. बहुत शुक्रिया. तो वो secret superstar थी, तुम secret सितारा superstar. Thank you, sir. ये रहा आपका golden ticket. मैं चांद हूँ या ताप हूँ, मैं रात हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ मैं कौन हूँ. Historic talent मिल गया. Historic. Historic यार, मजा आ गया. क्या talent मिला इस बार यार. Absolutely. Oh. हर साल next level उससे ऊपर talent होता है. What's tripping me out is इस साल genuinely अलग ही है. अलग. मतलब we knew कि ये online audition की वजह से अलग talent आएगा. Completely. लेकिन जो आया है वो. Oh my god. बाप रे. It's a different scene altogether. यार मतलब. Wow. Team Indian Idol. Yeah. भाई इनको लड्डू खिला दो यार. नहीं सर, नहीं खाएंगे हम. अरे एक लड्डू खा लो, हिमेश जी ने बनाया है. फाइन, दे दो. थोड़ा ही. कम ऑन ब्रदर, कम ऑन. आ ये बात है. ये क्या कर रहा है यार. अरे रे, ये क्या, ये घोर अपमान हिमेश, घोर अपमान. वाह, कलर देखा. 1 2 3 4 गो. क्या बात है. छोड़ के मत जाओ सनी और सलमान. क्या कर तुम लोग. सर ये लड्डू था जो लोग तरस रहे हैं इसके लिए. सर दुनिया में सबसे कड़वी चीज होगी ना, उससे भी कड़वा, उससे भी गंदा है लड्डू. सर लड्डू में एक घी होता है ना, या बटर होता है,
इनमें पेट्रोल लग रहा है, ऐसे लग रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.